तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। तो स्वागत है आपका एक आज की इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपको ऐसी थंबनेल फ्री फायर की बनाना सिखाऊंगा। तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले लाइट रूम खोल लेना है, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है गेम का, और उस पर कुछ ऐसे इफेक्ट अप्लाई कर लेने हैं विगनेट वाले, उसमें जाके जो होता है सबसे नीचे विगनेट जैसा, और उसको सिंपली सेव टू डिवाइस कर देना है, ठीक है। फिर तुम्हें पिक्सल लाइव खोल लेना है अपना टेक्स्ट लेने के लिए। न्यू टेक्स्ट मिलेगा तुम्हें ऐसे, उसमें जाके तुम्हें अपना टेक्स्ट लिखना है। मैं फ़िलहाल ये लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी यही बना रहा हूँ फिलहाल इस वजह से। और इसको रिसाइज करके थोड़ा अलाइन कर लेना ताकि ये स्ट्रेट रहे बिल्कुल। और इसका फॉन्ट मैं चूज़ करने वाला हूँ म्यूरोसलेंट, जो कि बहुत फेमस फॉन्ट है भाई। तुम चाहो तो कोई और सा भी यूज़ कर सकते हो, अगर इनमें से कोई तुम्हें चाहिए हो तो मेरे को बता देना, मैं लिंक दे दूँगा। म्यूरोसलेंट का तो दूँगा ही क्योंकि वो तो ज़रूरी है ही इस थंबनेल के लिए। और फिर तुम्हें एक और टेक्स्ट लेना है ऐड पे जाके, उसमें तुम्हें लिखना है अपने हिसाब से कुछ भी, छोटा सा छोटा मोटा टेक्स्ट लिखना है। फिलहाल मैं ऑन एंड्रॉयड लिख रहा हूँ, और याद रखना जो स्टाइलिश लेटर वाले होते हैं इसके लिए मैं इग्निशन फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। मैं स्टाइलिश लेटर वाले मतलब वर्ड्स के लिए तुम्हें पहला लेटर कैपिटल रखना है, बाकी के स्मॉल रखने हैं। जैसे मैंने ऑन एंड्रॉयड में ओ और ए बड़ा रखा है, ठीक है। और फिर इसके याद से पैडिंग में जाके इसका लेफ़्ट राइट की दोनों साइड की पैडिंग कर देना ताकि ये कट ना जाए कहीं से भी इधर उधर से, ठीक है। और रिसाइज कर देना, फिर लेयर में जाके नीचे से ट्रांसपेरेंट करके इसको अल्ट्रा क्वालिटी पे सेव कर देना। फिर तुम्हें PSCC खोल लेना अपना, और उसमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना प्लस के साइन पे जाके 1920x1080 का, ठीक है। उसमें सबसे पहले तुम्हें अपना ओरिजिनल स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेना है। फिलहाल डाउनलोड्स में मिलेगा क्योंकि मेरे पास ये थे नहीं, तो मैंने नेट से डाउनलोड किया है ये स्क्रीनशॉट। और अगर तुम्हें ऐसे फ्यूचर में फ्री फायर से रिलेटेड ट्यूटोरियल चाहिए या पबजी से रिलेटेड चाहिए तो मेरे को बता देना भाई, ठीक है। इसको फिलहाल तुम्हें ऐसे रिसाइज करना है, फिर इसके लो एस्पेक्ट रेशियो हटा देना है क्योंकि ये मेरे को लग रहा है आईपैड में लिया है स्क्रीनशॉट किसी ने, तो इसको फिर रिसाइज करके ऐसे रख देना है, ठीक है। ये नॉर्मली लग रहा है, ज़्यादा कुछ अजीब नहीं लगेगा, ठीक है। इसको टिक कर देना, फिर एक इस बार तुमने जो CC वाला स्क्रीनशॉट है तुम्हारा वो ले लेना है, उसको भी ऐसे रिसाइज कर देना, ठीक है। रिसाइज करने के बाद टिक मार्क पे दबा देना है और लो एस्पेक्ट रेशियो बंद कर देना, नहीं तो तुम टेढ़ी मेढ़ी इमेज रिसाइज करोगे फिर, ठीक है। ओवरले अच्छा लग रहा है ना वैसे, मैं इसको नॉर्मली रहने देता हूँ फिलहाल। ओरिजिनल वाले स्क्रीनशॉट को ऊपर रख के पॉलीगन सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके शो पॉइंटर ऑन करके इसका सिलेक्शन करूँगा। ऐसे देख सकते हो तुम कैसे कर रहा हूँ मैं, फटाफट से तुम्हें भी ऐसे सिलेक्शन कर लेना। तो पूरा सिलेक्शन होने के बाद देखो ऐसे मतलब कि तुम्हें इस डॉट पे लाके वापस से जॉइंट कर देना है। मैं हर वीडियो में यही बात बताता हूँ भाई, इसमें डॉट में लाके इसको ज्वाइन कर देना है, और फिर लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर देनी है, और ओरिजिनल स्क्रीनशॉट को कर दो डिलीट, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। हाइट पॉइंटर कर देना है तुम्हें, और तुम्हें क्या करना है डुप्लीकेट करके इस लेयर की इसको लीनियर डॉज कर देना है, ठीक है। दो बार कर देना, ऊपर वाली की थोड़ी ओपेसिटी कम करके इसको मर्ज डाउन कर देना, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, एक एम्प्टी लेयर ले लेनी है, ठीक है, टेक्स्ट के वो बैकग्राउंड के नीचे, बैकग्राउंड नहीं सॉरी कैरेक्टर के नीचे, और ऊपर कैरेक्टर के सिलेक्ट पिक्सल करके नीचे वाले उस पर आके कलर ब्लू कलर से अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग कलर लेके उसको स्ट्रोक दे देना है, ठीक है। मैं फ़िलहाल कुछ ऐसा कलर लूँगा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके देखता हूँ, थोड़ा हल्का सा डार्किश, ऐसी थीम में मैं नॉर्मल डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर स्ट्रोक दे रहा हूँ उसको, ठीक है, 4 पिक्सल का। और उसके बाद इफेक्ट्स में जाके स्टाइलाइज में जाके तुम्हें इसको दे देना है ग्लास इफेक्ट, और इसकी अमाउंट को इंक्रीज़ करना और कुछ नहीं छेड़ना, तुम्हें अपने हिसाब से अमाउंट चूज़ करनी है इसकी, ठीक है। तो मैं 29 रख रहा हूँ फिलहाल इसकी अमाउंट, और इसको डुप्लीकेट करके लीनियर डॉज कर दूँगा, और फिर इसको दूँगा एक गोजन ब्लर, बेसिक में जाके गोजन ब्लर दूँगा, इतना काफ़ी है। चाहो तुम चाहो तो मतलब कि अगर चाहो तो इफेक्ट्स में जाके ग्लो भी दे सकते हो सेम कलर सेलेक्ट करके, पर वो जो ग्लो होता है ना वो थोड़ा हैवी हो जाता है, देखो ऐसे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है वो, पर गोजन ब्लर से थोड़ा प्रिसाइज रहता है, मतलब कि एक्यूरेट रहता है ग्लो, जितना हमें चाहिए होता है उतना ही रहता है, देखो ठीक है, बढ़िया लग रहा है इतना में। इसको फिर तुम्हें मर्ज डाउन कर देना है, अरे क्या कर रहा हूँ, मर्ज डाउन कर देना है इसको, ठीक है, डुप्लीकेट कर देनी है इसको भी एक और बार लीनियर डॉज दे देना, ठीक है, ये और चमक जाएगा बढ़िया सा। चाहो तो इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है।
इसको भी मर्ज डाउन कर दिया मैंने यहाँ पे। और अब तुम्हें अपना ले लेना है टेक्स्ट, टेक्स्ट तुम्हें मिलेगा पिक्सल वाले फोल्डर में। और ये रहा हमारा टेक्स्ट, इसको रिसाइज करके थोड़ा सा बड़ा कर लेना, ठीक है। और रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके, यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके लेफ्ट से नीचे से इसको ऊपर वाले को सिलेक्शन बना के लेयर फ्रेम सिलेक्शन करके नीचे वाले में से क्लियर कर देना है ये ऐसे, ठीक है। अब ऊपर वाले टेक्स्ट को रिसाइज कर देना, अच्छे से बड़े से लिख देना ताकि बढ़िया लगे, चमके, अच्छे से समझ में आए, ठीक है। फिर ऑन एंड्रॉइड को उसके ऊपर अलाइन कर देना है छोटा करके थोड़ा सा, यहाँ पे अभी और छोटा करना था मेरे को ध्यान नहीं रहा था, तुम कर देना, ठीक है। उसके बाद ऑन एंड्रॉइड के सिलेक्ट पिक्सल करके उसको एक ग्रेडिएंट देंगे ऐसा वाइट एंड ग्रे कलर का, ठीक है। और फिर इसके सिलेक्ट पिक्सल रहने देंगे एम्प्टी लेयर लेके इनवर्स में जाके फिल कर देंगे वाइट कलर, ठीक है। उसके बाद इसको लीनियर डॉट्स दे देंगे और डिसलेक्ट कर देंगे पिक्सल को और गॉजियन ब्लर में जाके 9.4 की वैल्यू का इसको दे देंगे ब्लर। देखो इससे इसके अंदर एक इनर स्ट्रोक आ जाएगा बढ़िया सा। और नीचे वाली टेक्स्ट की लेयर के सिलेक्ट पिक्सल करके ऊपर वाली से एक्सट्रैक्ट कर देना और फिर मर्ज डाउन कर देना, ठीक है। उसके बाद इसको इसी टेक्स्ट को ड्रॉप शेडो देनी है ऊपर की तरफ ताकि ऐसा लगे टेक्स्ट पर ड्रॉप शेडो आ रही है और चमके, मतलब उस पर दिखे कि ये रखा है, वाइट पे वाइट अच्छा नहीं लग रहा ना। वैसे तो हम उसका कलर चेंज करेंगे पर फिर भी ड्रॉप शेडो से अच्छे से क्लियर दिखता है टेक्स्ट, ठीक है। इतनी अमाउंट का मैंने इसको ड्रॉप शेडो दे दिया, ठीक है। अब मेन टेक्स्ट के सिलेक्ट पिक्सल करेंगे और मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई ग्रेडिएंट नहीं है तो इसलिए मैं खुद बनाऊंगा। देखो ऐसे करके ऐसे कलर पिकर से जाके और सेम कलर में ये चूज़ करूँगा और HSB में जाके ब्राइटनेस इसकी कम कर दूँगा, ठीक है। ये थोड़ा डार्क टोन आ गई, एम्प्टी लेयर लेनी है, नीचे वाले टेक्स्ट की सिलेक्ट पिक्सल रहने देने और ऊपर वाली में जाके इन्वर्स करके फिल कर देना है और थोड़ा कलर पिकर से जाके जो लाइट कलर है इस टेक्स्ट में ऊपर के हिस्से से वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। टिक मार्क दबाना है, लीनियर डॉट्स दे देना है इस लेयर को, ठीक है। उसके बाद फिर से गॉजियन ब्लर में आना है और जूम करके देखो तुम्हें अपने हिसाब से कितनी वैल्यू चाहिए। मैं फ़िलहाल इसको कितने रख सकते हैं जिसमें बढ़िया से लगे, हाँ इतना काफ़ी है, ठीक है। इसको टिक मार करेंगे, नीचे वाले टेक्स्ट की सिलेक्ट पिक्सल करेंगे, ऊपर वाले में से एक्सट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल प्रोसेस है। फिर ऊपर वाली लेयर को इसमें मर्ज कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारा काम है क्या करना, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं करना, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। और ऑन एंड वेट को भी इस बार मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा टेक्स्ट का काम, ठीक है, पूरी तरह से नहीं पर हाँ हो गया। नीचे वाली जो मेन टेक्स्ट है उसकी डुप्लीकेट करके उसके जो नीचे वाली लेयर है उसको लीनियर डॉट्स कर देना है और इफेक्ट में जाकर गॉजियन ब्लर देना है ताकि टेक्स्ट में ग्लो हो जाए। मैं फुल देने वाला हूँ उसको ग्लो, ये देखो ऐसे। अब तुम सोच रहे होंगे स्काई के साथ थोड़ा मिक्स हो रहा है, तो उसके लिए तुम्हें एम्प्टी लेयर लेनी है और ब्रश में जाना है और ब्रश का साइज़ थोड़ा ब्रश ये वाला ब्रश ले लेना है और साइज़ इंक्रीज कर देना है और कलर ब्लैक ले लेना, शो पॉइंट ऑन करना है और टेक्स्ट के पीछे से ऐसे ड्रॉ करते जाना है, ठीक है, ब्रश लेके। बहुत इजी है, कर सकते हो तुम भी, ठीक है। यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हुए जाना है तुम्हें, इससे क्या होगा टेक्स्ट बहुत अच्छे से विजिबल होगा ब्लैक कलर की वजह से, ब्लैक पे ब्लू दिखेगा, ब्लैक पे वाइट दिखेगा। यहाँ पे देखो हाँ ये गड़बड़ हो गई, दोबारा बनाता हूँ ऐसे, अबे यार फिर गड़बड़ होगी, आराम से बनाता हूँ, हाँ ठीक है अब सही है। इसको अब तुम्हें क्या कर देना, हाइट पॉइंटर कर देना और टिक मार दबा देना, बस सिंपल। डुप्लीकेट लेयर कर देनी नीचे मेन जो हमारा फोटो है ना उसकी बैकग्राउंड की, ठीक है। ऊपर नीचे वाली लेयर को जाके देनी है लाइटनिंग और ऊपर वाली लेयर को दे देना है तुम्हें ओवरले, ठीक है। अब ये थोड़ा एक तरह से CC अप्लाई हो गया इसमें, अब ये ऐसे बढ़िया लग रहा है, ये हमारी थंबनेल तैयार हो चुकी है। सेव कर सकते हो तुम इसे या फिर और कुछ चेंजेस करने हो तुम्हें तो वो कर सकते हो, शेयर पर जाके इसको सेव टू गैलरी कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो में इतना था, बाबा जी साइनिंग आउट।